दोस्त जब मैटिक पॉलीगन का प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में था तब हमने अपनी बाइंग करी थी और मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी होगा आपको जो शॉर्ट टर्म का टारगेट मिलेगा वो मिलेगा जीरो पॉइंट सेवन का जीरो पॉइंट नाइन का वन डॉलर के टारगेट को हम शॉर्ट टर्म में टच कर सकते हैं और इसके ऊपर के जो टारगेट है वो आपको मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में मिलेंगे तो अगर आपने मेरी वीडियो को देख के मेरे अपडेट को देख के अपनी बाइंग करी है तो अभी आप प्रॉफिट में होंगे और अभी तक अगर आपकी बाइंग नहीं हुई तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर आपकी बाइंग हो सकती है क्या कुछ आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टाइम टू मिलता रहे साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें अब देखिए अभी अगर हम मैटिक पॉलीगन के ओवर व्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.57 पॉइंट के रेंज में देखने को मिलता है 1.1 का अपसाइड मूवमेंट है अगर इसके हम 24 फोर आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.56 से लेके 0.58 के, के रेंज में देखने को मिलता है मतलब जो अभी पॉलीगन का प्राइस है वो अपने पीक रेंज के साइड में है तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो सकती है यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अपना ट्रेड लिया है अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें ये आपको पाँच बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है ट्वेंटी आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम दो मिलियन की है अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है पर जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9 बिलियन के ऊपर है टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है

फिर आपको जो टारगेट है वो थ्री से लेके फाइव डॉलर तक का मिल सकता है 2025 में जाके अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं पॉलीगन के चार्ट पैटर्न को तो आप देख सकते हैं मैटिक के पहले हमने फोर आवर का टाइम इंटवल लिया हुआ है फोर आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको एक बॉटम का रेंज मिलेगा जो होगा जीरो से लेके जीरो का इन बिटवीन में आपने अपनी बाइंग करनी है क्योंकि यहाँ से रिकवरी हो सकती है लास्ट टाइम जब सडनली क्रैश आया था उस टाइम भी हम जाके होल्ड हुए थे 0.50 के रेंज में इसलिए ये हमारे लिए एंट्री का एक लेवल था तो आप देख सकते हैं एक्जैक्ट सेम लेवल से आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है अब जैसे मैंने सुबह अपनी बी टी की अपडेट में बताया था कि जब भी ट्रेंड का रिवर्सल होता है या रिकवरी होती है तो जो हमारा प्रीवियस स्पोर्ट होता है हमें उसका ब्रेकआउट देना होता है और उसके ऊपर अगर हम एज ए स्पोर्ट होल्ड होते हैं तब आपको मार्केट में अच्छी रिकवरी मिल सकती है तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल्स है ये ऊपर होल्ड हो रही हैं और जब हमारे ई का डायरेक्शन अपसाइड में होगा तो आपको अच्छे टारगेट मिल जाएंगे जैसे $1 तक का। अभी रिकवरी के साथ जो आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेंगे वो मिल सकता है 0.60 का 0.62 का और इसके बाद से अगर आप चाहें तो वन डॉलर के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वालों की मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में तीन से पांच डॉलर का आपका टारगेट होगा हम 2021 वाले अपने ऑल टाइम हाई को जरूर टच करेंगे और उसके बाद से एक नवा ऑल टाइम हाई बनाएंगे जो कि 2025 में मिलेगा अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम एंड की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बीयर फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके थ्रू आपको जीरो से लेके जीरो का लेवल मिलेगा तो हमने यहाँ पे ही अपनी बाइंग करी है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी पर नेक्स्ट अब यहाँ पे बियर फ्लैग का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि जो डाउनफॉल वाला मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है और जो यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता था बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग उसको हमने अचीव कर लिया है तो अभी की डेट में देखिए सारे ही क्वेंस में करेक्शन आ रहा है डाउनफॉल आ रहा है जिस वजह से मैटिक का भी प्राइस डंप हो रहा है पर जो मैंने आपको एंट्री का लेवल मार्क करके दिया था ये इंपॉर्टेंट था अगर आपका बॉटम मिस हो गया जीरो पॉइंट फाइव टू वाला तो आप जो करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी स्मॉल बाइंग हो जाएगी पर उसके बाद भी आपने वेट करना है कि अगर रिकवरी होती है तब भी हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो आपकी जितनी भी बाइंग होगी वो हायर लो पे होगी ना कि हायर हाई high पे तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने आपको एंट्री लेवल प्लस टारगेट दोनों चीजें अच्छे से बता दी है आपको जो मूवमेंट है वो स्लो मोशन ही यहाँ पे देखने को मिलेगा चाहे रिकवरी के साइड में हो चाहे डाउनफॉल के साइड में हो मैटिक एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं जिसका प्राइस वन डॉलर के नीचे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में मैटिक को ऐड कर सकते हैं अगर आपने सेफर साइड के और प्रॉफिट बुक करना हो तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं आपके साथ तब तक लिए जय हिंद जय जै भारत